बात दमोह की, जहां के जागेश्वर नाथ धाम बांदकपुर में भगवान के दर पर पहुंचकर महिला ने प्राण त्याग दिए। दर्शन करने के दौरान माथा टेकते ही महिला के प्राण निकल गए। मृतक महिला मुनिबाई कुशवाहा नरसिंहपुर की रहने वाली थी, जो अपने परिचित के साथ जागेश्वर नाथ धाम पहुंची। कई मिनट तक महिला नहीं उठी, तो उसके कारण परिजनों ने जब पता उठाया तो पता लगा कि महिला ने अपने प्राण त्याग दिए। बात होली की, खरगोन के ब्रिज धाम हवेली में फूलों की होली खेली गई। इसमें श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा। बताएं कि खरगोन की ब्रिज धाम हवेली में ब्रिज की तर्ज पर 40 दिन तक होली चलती है। वैष्णव संप्रदाय के संत यदुनाथ जी के आगमन पर हवेली में 2 क्विंटल फूलों से ठाकुर जी के साथ होली खेली गई। फूलों की होली के दौरान श्रद्धालुओं में अपार आस्था और श्रद्धा देखी गई। बात कोर्ट के उस आदेश की, जिसके बाद पुलिस को पुलिस पर ही केस दर्ज करना पड़ गया। कोर्ट में एक पीड़ित ने याचिका दायर की थी, जिसमें पुलिस थाने में मारपीट और अभद्रता के आरोप लगाए गए। इसके बाद कोर्ट ने आरोपियों पर केस दर्ज करने के लिए आदेश दिए। पूरा मामला है क्या, दिखाते हैं आपको। पुलिस ने पुलिस पर दर्ज की FIR। कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ केस। बेगुनाह पर रॉक झाड़ना पड़ा महंगा। तीसरी आंख में रिकॉर्ड हुई पूरी करतूत। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कोर्ट का आदेश। पुलिस ने पुलिस पर FIR दर्ज की है। जी हाँ, ये मामला एक शख्स के साथ मारपीट करने से जुड़ा है। आरोप है कि बलौदा बाजार जिले में साइबर सेल के प्रभारी रहे परिवेश तिवारी ने शक के आधार पर पीड़ित को हिरासत में लिया। थाने में उसके साथ अभद्रता की, साथ ही मारपीट का भी आरोप है। मेरे को उठा करके लोग अपनी गाड़ी में जबरदस्ती डाल के ले गए, और जब मेरे को ऐसा लगा कि मेरा अपहरण हो गया करके, लेकिन जब मालूम पड़ा मैं पहुंचा साइबर सेल, तो ये लोग पुलिस वाले हैं करके सादे ड्रेस में आए थे, और मुझे तब फिर पता चला। तब फिर मेरे को उठा फिर थाना में लाग बैठा दिए। उसके बाद मेरे साथ में मारपीट किए, धमकी चमकी दिए। एक कोर्ट के अवमानना का केस लगा इनके SP के ऊपर में, जिसको वापस लोने तो आपको जान से मार देंगे करके इनका कहना था। तो मैं बहुत डर रहा, समझ गया था। तो जब मैं बोला कि मैं केस वापस लूंगा, तब कहीं जाके 3 घंटे बाद मुझे शाम के 7 बजे छोड़ा गया। पुलिस की बदसलूकी को लेकर पीड़ित ने बड़े अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद पीड़ित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाँ, उसके बाद परिवाद दायर किया। मैं परिवाद दायर में न्यायालय ने इनके ऊपर आरोप लगाया, मतलब आरोप दायर कर दिए। घर में घुसने का 456, मारपीट की धारा 323 इनके ऊपर लग गया है। अब इन 2 सिपाही जमानत हो गई है। प्रवेश तिवारी जो TI है साइबर सेल का, वो अभी फरार है। कोर्ट के आदेश के बाद बलौदा बाजार थाने में आरोपियों पर केस दर्ज किया गया। उधर SSP सदानंद कुमार ने बताया कि कोर्ट का आदेश आया है, मामले की जांच की जा रही है। कोर्ट में जो कोर्ट से जो विषय आई है, उसकी जाँच जो है की गई है, और जाँच के आधार पे हमने कोर्ट को जवाब दिया है, और आगे अगर उस जांच में कुछ पाया जाता है तो उस पे जो विधि अनुकूल होगी उसको कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस की ओर से मामले की जांच हो रही है, लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है। इस तरह के कई मामले हैं जब खाकी की बदसलूकी देखने को मिलती है। न्यूज 18 के लिए बलौदा बाजार से योगेश कुमार यादव की रिपोर्ट।